हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल एम ए बाइक ग्रो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम फिर एक और वीडियो लेके आए हैं, जो कि ये देखिए, यामा स्कूटी है, यामा रे, जिसमें कि ये कार्बोरेटर आता है, जो कुछ डिजिटल जो एक्चुएटर के साथ आता है, लेकिन BS4 है ये। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, तो इसको कैसे क्लीन करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं, इसको आज हम आपको बताएंगे। ये मेन जेड है, तो ऐसे टाइट कर दें। 8 नंबर की जो चाबी है उससे टाइट करना, पेचकस से कभी नहीं करना, जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे नहीं करना, और जेड डैमेज हो जाता है। तो इसको थोड़ा, ये बाइक के मुकाबले थोड़ा बड़ा आता है, इसलिए इसको चाबी से टाइट करें हमेशा, या 8 नंबर पाना हो उससे। और ये स्लो जेड है, पतला वाला, इसको एकदम क्लीन करके इसको आप पेचकस से टाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा आता है। ध्यान दें कि पेचकस एकदम क्लीन हो, जिससे कि कोई कचरा इसके अंदर ना जाए, क्योंकि इसमें बारीक सुराख होते हैं। और इसको अच्छी तरह टाइट कर दें घड़ी की सुई की दिशा में, जिस तरफ से हमारे वॉच की सुइयाँ चलती हैं, ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, ये इसके कैप आती है, जो ओवरफ्लो वाला सिस्टम होता है या एयर वाला सिस्टम होता है, वो इस पर कैप अच्छी तरह से फिटिंग कर दें। ये थोड़ा इसमें डाल के आप घुमाएंगे तो फिट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे फिट कर देते हैं मेन जेड और स्लो जेड को। अगर आपकी बाइक स्लो में स्टार्ट हो रही है और एक्सेलेटर लेते ही बंद हो रही है या दब जाती है, तो फ्रेंड्स मेन जेड में प्रॉब्लम है। और आपकी बाइक अच्छी तरह यानी भाग रही है, एक्सेलेटर ले रही है, चल रही है, लेकिन स्लो होते ही बंद हो जाती है, स्लोरिंग सेट नहीं हो रही, और पर स्लो जेड में ख़राबी होती है। तो इसको क्लीन करवा लें अच्छी तरह। ये हमारी नीडल है, नीडल को अच्छी तरह से क्लीन करके इसमें हम पहले ही फिट कर देंगे, क्योंकि लगाने के बाद नहीं होगा फिटिंग। और ये निडल स्टॉपर है, इसको इस छेद में डाल देते हैं निडल को। छेद में रे मिट्टी के कण या कचरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओवरफ्लो की शिकायत दिखाएगी। और ये हम फिट कर देंगे, और इसके ऊपर एक स्क्रू आता है, वो हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे इसके ऊपर, ताकि ये हिले डुले नहीं। पेचकस की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि स्क्रू छोटा ही आता है, फ्री हो जाएगा। आराम से अच्छी तरह टाइट कर देंगे, टाइट हो गया। अब हम इसमें फूक मार के देखेंगे निडल ऊपर नीचे होती है या नहीं। ऊपर होती है, नीचे जाती है, तो अच्छी तरह ओवर फ्लो की शिकायत नहीं आएगी इसमें। और ये हमने फिट कर दिया है। अब इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसकी सफाई कर देंगे, जो भी कचरा हो निकल जाए, क्योंकि सफाई का खास ध्यान रखना है। ये जो कार्बोरेटर है, ये थोड़ा बड़ा आता है, और इसको खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर फिटिंग करने के बाद ओवरफ्लो की शिकायत आई, तो फिर आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे खोलने में। इसलिए अच्छी तरह पेट्रोल डाल के साफ़ कर लें, और इनको चेक कर लें, जो नीचे हांडी या ढक्कन के ऊपर लगी होती है, जो इसके ऊपर कैप लगाएंगे। अगर कट रही हो तो एनाबॉन्ड, या आपके पास ओरिंग हो तो फिट कर दें, नहीं अगर नहीं कट रही हो तो ऐसे ही लगा दें, नहीं तो एनाबॉन्ड को हल्की सी एनाबॉन्ड लगाना है, और फिर हम इसको फिट कर देंगे, जिसे हम रेजो बॉन्ड भी बोलते हैं, वो लगा देना है। जो हमारी ओरिंग एकदम न्यू है, क्योंकि कंपनी के बाद अभी सेकंड बार ही खुला है, जो हमारी कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चर हुई थी, तभी ये कार्बोरेटर फिटिंग हुआ था, उसके बाद आज ही खुला है। आप देख सकते हैं अभी नटों के ऊपर जो पेच है, उनके ऊपर भी निशान लगे हुए हैं। तो हम इसको अच्छी तरह तीनों को बराबर एक साथ टाइट करना है, एक को कभी एक साथ टाइट नहीं करना, तीनों को बराबर ले जाके फिर टाइट करना है। ये हम इसको टाइट कर देंगे, ये तीनों को अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ध्यान रखना नट फ्री ना हो जाए। और ये हमारा कार्बोरेटर नीचे से फिटिंग हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पल्सर पल्सर वही बड़ी वाली डिस्कवर आती है वो, या यामा जो स्पोर्ट्स बाइक आती हैं RTR, उनमें जो सिस्टम आता है वही इसके अंदर दे रखा है निडल वाला। तो आप ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह फिटिंग हो जाए। आप देख सकते हैं इधर जो ट्यूब पर एक कट बना हुआ है, ये कट बना हुआ है, इस तरफ साइड करके इसको ट्यूब को अच्छी तरह फिटिंग करना है। कट की सिदाई में ही फिट करना है आपको, हर बाइक में अलग अलग स्टाइल से कट होते हैं, उसी तरह ट्यूब को फिट करना है, नहीं तो ये जो पिस्टन होता है वो साइड चेंज हो जाएगी इसकी। अगर कट नहीं है तो पहले आप ध्यान से देख लें किस साइड हमारा पिस्टन आउट है, किस साइड इनलेट की तरफ जाता है, और किस साइड एयर कार्बोरेटर की तरफ साइड होता है। और ये फिट कर दें इसको ऐसे, स्प्रिंग को हल्का सा टाइट करके फिट करें,
और जो ये ट्यूब निकली है ये थोड़ा सा पेचकस की मदद से आप इसको अंदर दबाएंगे तो ये अपनी जगह जो इसका खर्चा बना हुआ था उसमें फिट हो जाएगी, क्योंकि ये ट्यूब होती है जो हम इसको पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं तो ये थोड़ा फैल जाता है, वैसे पेट्रोल से इसको वॉश नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कार्बोरेटर वॉश होता है उसी के साथ ये पेट्रोल से वॉश हो जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ा एक्सपेंड हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा अंदर फिट करके और इसको बराबर टाइट करना है दोनों को, ये हमने दोनों नट बराबर टाइट कर लिए हैं और हम आपको एक आगे वीडियो में इसको सेंसर बताएंगे कि जो हमारा एक्सीलेटर खींचता है तो ये सेंसर डिटेक्ट करके हमारा ईसीयू को सिग्नल भेजता है। ये हम इसको ऐसे लगा देते हैं, देखना उस तरफ से जो एक्सीलेटर हम खींचेंगे तो इस तरफ से सेंसर किस तरह मूव करेगा, ये देखें, ये देखें हम उस तरफ से एक्सीलेटर खींच रहे हैं और ये सेंसर कैसे घूम रहा है। अभी इसमें हम स्टॉपर नट नहीं लगाएं, स्टॉपर नट लगाने के बाद एक्सीलेटर के जो अंदर मोटर आती है या सेंसर आता है वो ही घूमेगा, बाकी ये सेंसर पूरा नहीं घूमेगा। तो हम इसको फिट कर देते हैं, ये देखें स्प्रिंग टाइप आते हैं जो ईसीयू को हमें सिग्नल भेजती है कि इंजन का कितना थ्रॉटल खुला हुआ है और कितना पेट्रोल और एयर अंदर गई है, उसी हिसाब से करंट की सप्लाई आगे होती है, इससे कि मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। तो फ्रेंड्स ये हमने कार्बोरेटर तैयार कर लिया है, तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे।